दो बूंद हर बार पोलियो से जीत रहे बरकरार, इसी नारे के साथ धनबाद के विभिन्न चौक चौराहों पर पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए ताकि धनबाद में रहने वाले अभिभावकों को जागरूक किया जाए कि अपने 5 साल की उम्र तक के बच्चों को पोलियो की दो बूंद जरूर पिलाएं। इसी को लेकर अभी हम मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और आपको बताना चाहेंगे आज 31 जनवरी के मौके पर यहाँ पर पोलियो दिवस मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोलियो के बूंद पिलाने के लिए जो कार्यक्रम यहाँ पर आज ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका मेन मोटो ये है कि ताकि अभिभावकों को जागरूक किया जाए और अभिभावक ये जान सकें कि पोलियो की बूंद कितनी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। आइए यहाँ पर जो उपस्थित डॉक्टर है उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर अभी तक कितने लोग आए हैं और क्या कुछ पूरा मामला है। आज पल्स पोलियो का प्रोग्राम है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलानी है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया से भारत में 13 के बाद कोई केस नहीं आया है, लेकिन इसके नेबरिंग जो कंट्री है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वहाँ है। इसलिए 5 साल तक के बच्चे को आज 31 तारीख को बूथ पर दवा पिलाई जा रही है। हर जगह पर हो रही है, हर जगह हो रहा है, हर जगह मतलब कहाँ? इस पूरे ब्लॉक का हम बता देता हूँ। इस पूरे ब्लॉक में करीब करीब 450 बूथ पर दवा पिलाई जा रही है। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, धनबाद सदर ब्लॉक। अभिभावक मौजूद हैं अपने बच्चों के साथ, जहां पर बच्चों को यहां पर पोलियो की ड्रॉप दी जा रही है। साथ ही जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा बताया गया कि 2013 के बाद यहां पे पूरे इंडिया में, पूरे भारत में पोलियो की कोई भी केसेस नहीं आई है, लेकिन भारतवर्ष के जो नेबरिंग जो कंट्री है वहाँ पर केसेस आ रही है, जिसको लेकर यहाँ पर अभी जो पोलियो की अभियान है वो चलाई जा रही है ताकि भारत में और भी कोई केसेस ना बढ़े। साथ ही आखिर में आप सभी अभिभावकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने 5 साल के बच्चों तक पोलियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सहयोगी प्रकाश के साथ सुचिश्मिता, मिरर मीडिया, धनबाद।